झूठ बोलने से कोई काम ठीक नहीं होता, देख लेना। तो फिर बोली बेगम, चलो ढको। आपको दे दिया है यानी कि हाफ से ज्यादा मूवी हम आपके साथ देख चुके हैं। हाँ, और अब हम आगे पार्ट सिक्स पे जाने वाले हैं। भाईजान पाकिस्तान में आ चुके हैं, आप देखते हैं कि आगे की स्ट्रगल उनकी कैसी होती है और वो मुन्नी का घर कैसे ढूंढते हैं। फिर चलते हैं हमारी आज की वीडियो, तो चलते हैं हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हियर वी गो, 3 2 1 आ देखें जरा। वहां से पीछे लगे थे ना वो रिपोर्टर, आप इस जगह को पहचानते हैं? ये क्या मजाक है भाईजान, सीधा सीधा बताइए ना, आपने जाना कहाँ है? ये बच्ची पाकिस्तान की है, पता नहीं हिंदुस्तान कैसे पहुंच गई, अकेली, शायद अपने माँ बाप से बिछड़ गई, बोल नहीं सकती, लेकिन इस जगह को पहचानती है। हमें विश्वास है कि ये यहीं से कहीं से होगी। आप हिंदुस्तान से आए? जी। कैसे? वो बॉर्डर है ना, बॉर्डर की जो तार उसके नीचे से आए, लेकिन परमिशन लेकर। आप हिंदुस्तान से इतनी दूर पाकिस्तान आए हैं इस बच्ची के अम्मी अम्बू को ढूंढने? जी, क्यों? कमाल है भाईजान, आप जैसे और लोग होते इन दो मुल्कों में तो क्या बात होती। नहीं दिखाइए वो तस्वीर, दिखाइए जनाब। वो सर, वो ठीक से बोले क्या? वो बोला रखी आपने, वो भाग गया सर। क्या इस जगह का कोई पहचानता है? देखिए ठीक से देखिए भाईजान। नहीं, इसको पता लग गया। वो होगी शायद, जल्दी। क्या हुआ जनाब? एक आदमी भूरे रंग का स्वेटर पहना है, साथ में एक बच्ची है, चढ़े इस बस में? नहीं जनाब, इस बस पे तो ऐसे कोई तो बंदे नहीं चढ़े। क्या आप लोगों में से किसी ने भी छोटी सी बच्ची के साथ आदमी को नहीं देखा? नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं देखा। जनाब वो चांद नवाब ने तो यही बस बताई थी। उतरिए सर। वो बच्ची पहाड़ों की तस्वीर देख के कुछ इशारा कर रही थी कि शायद घर उसका वहां पे। कहां फोटो? फोटो फोटो तो वो ले गए। हाईवे पे सारी बसों को चेक करो, कम ऑन जल्दी। जी जी जी। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बड़े बेवकूफ हो, मतलब ऐसे घुस गए पाकिस्तान में बेखौफ। मुन्नी को घर पहुंचाने का बस यही एक रास्ता था? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके अम्मे अब्बू को ढूंढोगे कैसे? बजरंग बली मदद करेंगे ना पाकिस्तान में। आज रात आप इस जगह महफूज रहेंगे, लेकिन भाईजान कल सुबह होते यहाँ से निकल जाना। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कहाँ जगह है? मस्जिद। मदरसा में आ गए। शुरू
ओमपुरी। सलाम अलैकुम। क्या हुआ बरखुरदार, तबीयत नासाज है, परेशान लग रहे हो। हमें क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलें। ओए बात सुन बेटा, कल क्यों नहीं आए? माफ करना मलाइका। हैं? शैतान, जाओ जमात में बैठो, मैं आ रहा हूँ। हम थोड़ी ना अंदर जा सकते हैं। क्यों? हम मामले नहीं है। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये जगह सबके लिए खुली है, इसीलिए हम मस्जिद में कभी ताला नहीं लगाते। चलो आ जाओ। होलसम मैसेज। चलो बच्चों अपनी अपनी जगह पे। बारी बैठी। अच्छा तो ये बात है भाई, मैं तो कभी गया नहीं हूँ पहाड़ी इलाकों में, लेकिन हाँ हमारे मदरसे में कई बच्चे हैं जो वहां से। एक मिनट मैं पूछता हूँ। अरे बच्चों इधर आओ। नॉर्दर्न एरियाज। सब लोग इस तस्वीर को गौर से देखो और फिर बताओ कि ये कहाँ है, और जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, बहुत बढ़िया सा। बताओ। रुक 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 रुक। अर्शद नहीं पता तो आगे बढ़ाओ। अरे नहीं उत्तर जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्विट्जरलैंड ही है। देखो इधर अंग्रेजी में लिखा है स्विट्जरलैंड। अरे मुन्नी तू क्या स्विट्जरलैंड से? के दिल फरे पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर, कश्मीर। यहाँ का स्विट्जरलैंड। वापस इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं जनाब, थोड़ा सा हमारे पास भी है। क्या? कश्मीर। बेटा पुलिस आ। रुकिए जनाब, पहले ये हथियार अपनी गाड़ी में रख के आइए। मौलाना साहब आपने किसी अजनबी को तो नहीं देखा कहीं आसपास? खुदा के घर में अजनबी नहीं होते। इस अजनबी से खतरा हो सकता है, ये एक हिंदुस्तानी जासूस है। तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे? लेकिन अगर आपको कहीं भी आसपास कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें इतला जरूर कीजिए। यहां से निकलना मुश्किल है। तो अब क्या करें मौलाना साहब? एक तरकीब है। बुरखा बना दिया। ए बजरंग बली क्या क्या करवाएगा, अपने भक्त से मस्जिद में सुलवा दिया, बुरखा पहनवा दिया, अब खतना होने से पहले मुन्नी के माँ बाप से मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा। पाकिस्तान चला गया? तूने तो कहा था वो अटारी तक मुन्नी को ट्रेन पर बैठा कर आ जाएगा, ऐसे कैसे चला गया पाकिस्तान? उनको पासपोर्ट वीजा किसने दिया?
बिना वीजा और पासपोर्ट का क्या है? बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पाकिस्तान चला गया। अरे आप शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तू जानती नहीं है वो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे। यार हमसे तो एक नहीं संभलती और मौलाना साहब दो दो के लिए। सड़क पे पुलिस होगी, आप लोग यहाँ आगे खेतों से होकर खानेवाल तक निकल जाएं। खानेवाल धन्यवाद। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको इस बच्ची के इंफाल देन मिल जाए। अल्लाह हाफिज। आप लोग क्या कहते हैं? जय श्री राम ना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया सारा के ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। हैरान रह गया देख के इतने ब्रॉड माइंडेड लोग भी हैं। हम पूरी इतने सीन है स्पेशल चलें जना। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप मुनी को घर भेजने की हद पकड़ते ना पवन जाता, आपकी वजह से वो इतनी बुरी तरह से फंस गया है। अब आप ही कुछ कीजिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं भी पाकिस्तान चली जाऊंगी उसको ढूंढने। क्या? ये भगवान, बिना वीजा के हम इसमें नहीं रह सकते। ना सांस ली जा रही ना चला जा रहा है। देखो हम दोनों में से एक को तो बीवी बन के रहना पड़ेगा। पुलिस दो आदमी को ढूंढ रहे बच्ची के साथ, तो तुम मानो। अच्छा तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो बता दोगे क्या? हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है, हम दिल्ली से आए हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, परमिशन लेके आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, है ना मुन्ने? देखो लोग आ रहे हैं, जल्दी बंद करो, बंद करो। और थोड़ा नजाकत से चले जनाब। एक काम करेगी? अरे मुन्नी तो बच जाएगी। अरे जनाब, अरे जनाब बच गई। इनकी हेल्प करके फिर लिफ्ट लेंगे। ये गलत बात है, झूठ बोलने से कोई काम ठीक नहीं होता, देख लेना। तो फिर बोली बेटा। चलो ढको, आ जाओ। माशाल्लाह ये गाड़ी मिला बस। जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? चलिए। आप अंदर बैठिए, जब मैं बोलूँ सेल्फ मारो तो सेल्फ मारना आप। ठीक। हाँ जी, मिला कुछ? वक्त लगता है जनाब नफस पकड़ने में। मैकेनिक है या हकीम है? जनाब सेल्फ। जनाब किया क्या आपने? दबा के मारिए, ये किया है। अरे वाह, आपने तो एक ही मिनट में सही कर दिया। तो जनाब राहगीरों की मदद करना फर्ज है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप कहें तो आपको कहीं छोड़ दूं? तुम्हारा
तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बात नहीं कर सकते जनाब, पैदाइशी गुंगी है। ओ जी, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। वैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं बीबी? ये भी बात नहीं कर सकते जनाब, सेम टू सेम खानदानी बीमारी है ना जनाब। अरे रे रे, सब तकदीर का खेल है। हाँ वो तो है। ये आप खाने वाले के रास्ते जा रहे हैं ना? नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। नहीं 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 जनाब, आपको दिक्कत होगी, आप हमें बस हाईवे तक छोड़ दें बस। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एक सिपाही को बोल दूंगा, वो अपनी जीप में आपको घर तक छोड़ आएगा। पुलिस वाला है ये भी? हाँ, सिपाही मतलब सिपाही। हाँ मैं उस इलाके का दारोगा हूँ, आज छुट्टी पे था लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वापस जा रहा हूँ। इमरजेंसी मतलब? एक हिंदुस्तानी जासूस यहाँ फरार है। देखते हैं कब तक बचेगा। जान नवाब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे, मुझे खुदा कसम उसको मैंने आखिरी बार जासूस तो पीछे बस में जाते हुए देखा था। मैंने उसको आखिरी बार फोन भी लगाया, फोन ऑफ है, ऑफ है फोन। यार ये लाइटिंग की है। चल अपने नंबर से उसको मेरे सामने फोन लगा। हाँ फोन। आइए जनाब, हमारा ठिकाना तो आ गया, अब यहाँ से हमारा आदमी आपको छोड़ देगा। सर 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 आइए। अरे हसन जी। जनाब। इधर आओ भाई। जनाब देखो ये हमारे खास मेहमान हैं और बड़े कमाल के मैकेनिक भी हैं, इनको इनके दरवाजे तक छोड़ कर आना खाने वाले में। जी जनाब। आइए जनाब। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया तो आपका जनाब, आपने हमारी बहुत मदद की। कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। जनाब जनाब थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना जनाब होता नहीं है। हां आइए आइए बैठिए। मैं पाकिस्तानी शो करने के लिए भाई चल रहा है, ज्यादातर भाई यूज होता है। हर घंटे उसको फोन करता रहे, कभी ना कभी तो फोन उठाएगा वो। पकड़ा गया बेचारा कुछ किए बगैर। किधर है आपका घर? बस थोड़ा सा रास्ता नहीं मालूम। नहीं बड़े दिनों के बाद वापस आए ना, तो असल में हमने भाग के शादी की थी ना, तो उनके बाद थोड़े से खफा हैं। बस जनाब ये 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 यहीं रुक गए। शुक्रिया अल्लाह का आपका घर मिल गया, शादी के चक्कर में आप तो घर ही भूल गए। बस जी क्या बोलूँ, बस ऐसी बात है। अरे कोई बात नहीं। अरे वकार को बुलाओ। जी जनाब। हेडक्वार्टर से क्या इन्फॉर्मेशन है उस जासूस के बारे में? सर उस जासूस का नाम पवन उर्फ बजरंगी है और उसके साथ यहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट भी है, चांद नवाब। चलो आपको शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना जी। सड़क पे खड़े होकर गिलेशियर को करने से कोई फायदा थोड़ा ही है, अंदर चढ़ के जितना कोसना कोस लीजिए। अरे भाई जान ना पहचान, तू मेरा नवाब की इजाजत के बिना शादी की थी ना मैंने, गुस्सा है ना आपको? अरे लेकिन अरे चाचा, अरे जनाब, अरे चाचा छोड़, अरे जनाब, अरे जनाब, खुदा हाफिज़ जनाब।
और उनके साथ एक बच्ची भी है सर। बच्ची कितने साल की? करीब 5-6 साल की। 5-6 साल? और वो गूंगी है सर। गूंगी भी? जी जनाब। अरे तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हसन को रेडियो करो फौरन। चाचा। अरे कौन है? अरे चाचा दरवाजा खोल। अरे दरवाजा तोड़ेगा क्या है? तुम कहाँ है? वो कौन? अरे तुम्हारी बेटी और दामाद। अरे कितनी बार बोला कि मेरी कोई बेटी कोई दामाद नहीं। अरे चाचा तो वो लोग कहाँ है जो अपने आप को तुम्हारी बेटी और दामाद बोल रहे थे? अरे मैं क्या जानू, तुम्हारे चाचा ही वो यहाँ से 9-11 हो गए। जी ये अभी हमने देखा आपके साथ कुछ हिस्सा बजरंगी भाईजान का, जिसमें वो पुलिस स्टेशन से एस्केप होता है और रिपोर्टर के साथ मिलके वो आगे चलते हैं, खानेवाल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हमारे इधर पंजाब में पड़ता है खानेवाल, तो वहां पे वो जा रहे होते हैं और फिर वहां से एक पुलिस वाले के थ्रू वो लिफ्ट लेते हैं। पुलिस वाले को नहीं पता होता कि वो इंडिया से आया है और वो यही है बच्चे जिनकी छोड़ने के बाद पता लगता है ये बच्ची 5-6 साल की साथ। हाँ, साथ ही उसको पता लगता है। फिर वो ड्रामा करके किसी घर चले जाते हैं, वहां से स्केप होते हैं। खैर पहले वो खैर मस्जिद में जाते हैं। वो मस्जिद वाला सीन भी बड़ा होलसम सीन है। जो पर्सपेक्टिव है कि जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानी है वो काफी ज्यादा कह ले के एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन नहीं उसमें दिखाया गया कि सारे एक दूसरे के साथ जो लोग अच्छे लोग यहाँ पे भी हैं अच्छे लोग वहां पे भी हैं, और काफी ज्यादा एक होलसम जो मोमेंट है वो दिखाया गया। तो ये था जी हमारा आज का पार्ट जो बजरंगी भाईजान हमने आपके साथ देखा, और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम सारे सीन कवर करके पूरी मूवी आपके सामने रख सकें और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दे दें बजरंगी भाईजान की। तब तक के लिए फिर हमें इजाजत है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जैसे तुम्हारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो फिर देखें जरा।